नमस्कार, सिटी लाइफ में आपका स्वागत है। मैं सिमर, नजर डालते हैं आज की ताज़ा गतिविधियों पर। कचरे में बचपन बिता रहे बच्चों को चाइल्ड लाइन की टीम ने किया रेस्क्यू। यमुनानगर के निजी अस्पताल में इंसानियत को शर्मसार करने का मामला आया सामने। यमुनानगर में डेयरी शिफ्ट करवाने के निगम और पुलिस टीम पर हुआ हमला। आरटीआई विभाग द्वारा इम्पोर्ट किए गए ट्रक को बदमाश लेकर हुए फरार। नगर पालिका कर्मचारी संघ द्वारा उल्टा झाड़ू कर प्रदेश सरकार के खिलाफ निकाला रोष मार्च। बहुदेशी स्वास्थ्य कर्मचारी 18 सितंबर को देंगे गिरफ्तारी। और अब गतिविधियां विस्तार से। कचरे में बचपन बिता रहे बच्चों को चाइल्ड लाइन की टीम ने किया रेस्क्यू। 6 बच्चों का मेडिकल करवा भेजा गया शेल्टर होम। गुप्त सूचना के बाद चाइल्ड लाइन की टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। कचरे में बचपन बिता रहे बच्चों को चाइल्ड लाइन की टीम ने बाल कल्याण समिति और पुलिस के साथ एक संयुक्त टीम बनाकर किया रेस्क्यू। चाइल्ड लाइन को किसी ने फोन पर सूचना दी कि कैल में बने कचरा प्लांट पर बहुत सारे बच्चे कचरा बीनने का काम करते हैं। इसी सूचना पर कड़ी मशक्कत के बाद टीम ट्रॉली की मदद से कचरे के बीच पहुंची और कचरा बीन रही 6 बच्चियों को वहां से रेस्क्यू किया गया और उनका मेडिकल करवाया गया। इस कचरे में इतनी बदबू है कि यहां खड़े हो पाना भी बेहद मुश्किल है, लेकिन इसी मौत के कचरे में ये छोटी बच्चियां कूड़ा बीनने का काम करती हैं। इन बच्चों को इस मौत के दलदल में काम करता देख किसी ने चाइल्ड लाइन को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद बच्चों को बचाने चाइल्ड लाइन की टीम और बाल कल्याण समिति और पुलिस के साथ एक संयुक्त टीम बनाई गई और इन बच्चों को रेस्क्यू करने पहुंची। जब टीम पहुंची तो उनका रेस्क्यू करना आसान नहीं था, क्योंकि इस कचरे के बीच गाड़ी नहीं जा सकती थी। कचरे के बीच बच्चों तक पहुंचने के लिए ट्राली की मदद ली गई। चाइल्ड लाइन के कोऑर्डिनेटर भानु प्रताप ने बताया कि चाइल्ड लाइन नंबर 1098 पर मंगलवार शाम को किसी ने सूचना दी कि कचरे के प्लांट पर बहुत सारे छोटे बच्चे कचरा बीनने का काम करते हैं और स्कूल भी नहीं जाते। इस पर टीम ने बुधवार को कैल के कचरे के प्लांट का दौरा किया, परंतु उस समय वहाँ कोई बच्चा नहीं मिला। आज फिर चाइल्ड लाइन व बाल कल्याण समिति की संयुक्त टीम ने वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जब टीम वहाँ गई तो देखा कि कीचड़ व कचड़े के ढेर से गाड़ी का प्लांट के अंदर जा पाना मुश्किल है, तो टीम ट्रैक्टर ट्राली पर बैठकर अंदर गई। वहाँ पर कचरा बिन रही 6 बच्चियों को रेस्क्यू करवाया गया। टीम ने देखा कि कचरे व गंदगी के इस वातावरण में बच्चों को बहुत सी बीमारियाँ भी हो सकती हैं। चाइल्ड लाइन को एक सूचना प्राप्त हुई थी मंगलवार शाम को, जिस पर उन्होंने बताया था कि कैल गाँव में जो कचरा प्रबंधन का प्लांट है उस पर कुछ बच्चे लगातार काफ़ी दिनों से कूड़ा बीनने का काम कर रहे हैं और वो बच्चे स्कूल भी नहीं जाते और उनको खतरा है कि वो बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। इस पर चाइल्ड लाइन ने पहले बुधवार को चाइल्ड लाइन की टीम वहाँ गई और वहाँ पर बच्चे नहीं मिले। आज फिर चाइल्ड लाइन ने एक टीम गठित की और वहाँ जाकर बच्चों को रेस्क्यू करवाया, जिसमें हमें 6 लड़कियों को आज हम लोगों ने वहाँ से रेस्क्यू करवाया। हालात इतने ख़राब थे कि वहाँ गाड़ी भी अंदर नहीं जा पाई प्लांट के अंदर, वहाँ इतना कीचड़ और इतना कचरा भरा हुआ था। फिर ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से हम लोग अंदर गए और वहाँ से 6 बच्चियों को हम लोगों ने रेस्क्यू करवाया जो कूड़ा बीनने के काम में लगी हुई थी। चाइल्ड लाइन लगातार इस प्रकार के ऑपरेशन चलाती रहती है कि ताकि बच्चे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें, उनका शोषण ना हो, किसी भी प्रकार से वो पीड़ित ना हो, शोषित ना हो। और आज इसी कड़ी में आज जो ऑपरेशन चलाया था, जिन 6 बच्चियों को हम लोगों ने रेस्क्यू करवाया है, जब उनकी काउंसलिंग की गई तो उन्होंने बताया कि वो माता पिता के साथ ही यहाँ आती हैं, उनको पता होता है कि हम लोग किस काम के लिए जा रहे हैं, वो स्कूल भी नहीं जाती और वो सब जो सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं उनसे बिल्कुल महरूम हैं वो बच्चियाँ। अभी उनको बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार शेल्टर होम में रखा गया है और जब तक उनका स्कूल जाना सुनिश्चित नहीं हो जाता तब तक वो शेल्टर होम। यमुनानगर के निजी अस्पताल में इंसानियत को शर्मसार करने का मामला आया सामने। परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर मरीज की मौत के बाद लाश ना देने का लगाया आरोप। अस्पताल का बिल ना दिए जाने पर हुआ विवाद। यमुनानगर के एक निजी अस्पताल में आज इंसानियत को शर्मसार करने का एक मामला सामने आया है। आरोप है कि एक मरीज की मौत के बाद अस्पताल स्टाफ ने बिल अदा करने की बात की। बिल ना एवज में परिजनों को लाश नहीं दी जाएगी। गरीब परिवार ने लाश लेने के लिए गांव में घर घर जाके चंदा इकट्ठा कर अस्पताल का बिल चुकाने के लिए पैसे जुटाए। हालांकि अस्पताल के डॉक्टर इन आरोपों को सिरे से नकार रहे हैं। यमुनानगर के अंबाला रोड स्थित मैक्सवेल हॉस्पिटल में शादीपुर की रहने वाली 30 वर्षीय संजू कुमारी महिला की मौत हो गई। यह महिला 10 तारीख को अस्पताल में दाखिल हुई थी। उसे उल्टियाँ, दस्त और बुखार की शिकायत थी। आज सुबह इस महिला की मौत हो गई और अस्पताल का बिल 24,000 रुपये बना, लेकिन मृतक महिला एक बेहद गरीब परिवार से थी और अस्पताल का बिल चुकाने के लिए महिला के पति के पास पैसे नहीं थे। इस महिला की 4 छोटी छोटी बच्चियां हैं। परिवार का आरोप है कि डॉक्टर ने मृतक महिला की लाश देने से मना कर दिया और पहले बिल चुकाने की बात कही। महिला का पति बिल के पैसे जुटाने के लिए गांव गया और घर घर जाके चंदा इकट्ठा करने लगा। 5-10 रुपये ले लेकर अभी तक 15,000 रुपये ही इकट्ठे हुए,
लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि यह परिवार मेहनत मजदूरी कर अपना गुजारा कर रहा है। ऐसे में निजी अस्पताल के भारी भरकम बिल चुकाने के लिए इनको घर घर जाकर लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़े। मैक्सवेल हॉस्पिटल के डॉक्टर विकास सक्सेना का कहना है, उसकी हालात जब अस्पताल में दाखिल हुई थी तो उसकी हालात काफ़ी गंभीर थी और बेहोश थी। और परिजनों ने जो आरोप इन पर लगाए हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। वो नहीं जानते कि वो लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं। संजू देवी को हम लोग लाए थे यहाँ पे, इलाज हुआ, उसके बाद में उसका पति का नाम है शेरू कर रही हूँ, और यहाँ 24,000 बिल बना था, 24,220 रुपये का 20,000 डिमांड हुआ कि 20,000 पे हम लोग छोड़ देंगे, अपना पैसा जमा करो और अपना बॉडी भर ले जाओ, बस यही बात है। किसने बोला ये? ये लोग काउंटर पे बोला था। हम लोग चंदा लगा कर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, 10-5 रुपया ऐसे मिलता है तो चंदा लगा कर इकट्ठा कर कर उसको इलाज के लिए जुगाड़ किए हैं पैसा। कौन? वो मुंह पेट चल रहा था पहले, वहाँ लोकल में दवा थोड़ा सा हुआ, उसके बाद में हम ग्रामीण हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ पे कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ, उसके बाद में हम यहाँ पे लेकर आए थे भर्ती किए, और मौत हो गया 5 बजे भोर में। 10 तारीख को हम लाए थे यहाँ, अभी तो चंदे का पैसा इकट्ठा उसका घर वाला लेकर आ रहा है तो बता सकता है। बोला था कि अपना बिल जमा जो जितना है 20,000 को दे दो, 20,000 रुपया अपना 4,000 छोड़ देते हैं, आप 20,000 रुपया दे दो, आप अपना ले जाओ, काम ज़्यादा हो गया है। पेशेंट काफ़ी सीरियस आई थी हमारे पास और ये बेहोश थी जब से, संजू देवी नाम है पेशेंट का, और इनके गुर्दे काम नहीं कर रहे हैं सही से, जब रिपोर्ट्स वगैरह आई तो पता चला कि ये नहीं काम कर रहे हैं। इसके अलावा इनका ब्लड प्रेशर भी उस टाइम बहुत ही कम आ रहा था, नब्ज नहीं चल रही थी बहुत, मतलब हाथ की वाली नब्ज नहीं चल रही थी, केवल ट्यूमरल बस चल रही थी और बेहोश थी बिल्कुल। फिर इनको बताया गया कि देखो यहाँ से आप कहीं ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, कि हम इन चीज़ों को, हमारे पास ना तो गुर्दे के डॉक्टर हैं तो हम इस चीज़ को मैनेज नहीं कर सकते। तो बोले नहीं डॉक्टर साहब, गरीब आदमी आप कहाँ जाएंगे, ऐसी स्थिति भी नहीं है हालत मरीज की कि हम कहीं और लेकर जाएँ। ये बात आपसे हमने इनसे लिखवा भी ली थी उसी टाइम कि देखो ऐसी ऐसी कंडीशन है। आज उसके बाद ये होश में प्रॉपर नहीं आ पाई, ट्रीटमेंट चल रहा था, आज सुबह मेरे पास 6:30 बजे फोन आया है कि इनकी डेथ हो गई है। मैंने ठीक है इनको बता दो और इनको जाने दो, तो बस फिर मैं 10 बजे आया हूँ, मुझे यहाँ पे अपनी ओपीडी देखी है, मैं कल रात 8 बजे चला गया था, और अभी मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे इन्होंने कहा है कि डॉक्टर ने पैसे मांगे, जबकि मुझे तो इनकी मुलाकात ही नहीं हुई डेथ के बाद या डेथ के आसपास, मैं तो कल रात चला गया था, अभी आया हूँ 10 बजे। अब इन्होंने क्यों कहा है, किसलिए कहा है, ये मैं नहीं कर सकता। इनकी उम्र 30 वर्ष लिखवाई है। यमुनानगर में डेयरी शिफ्ट करवाने के निगम में पुलिस टीम पर हुआ हमला, हमले में 2 पुलिस और 4 कर्मचारी हुए घायल। यमुनानगर निगम कर्मचारियों और पुलिस कर्मचारियों पर हुआ हमला, हमले में 2 पुलिस और निगम कर्मचारियों समेत 4 कर्मचारी हुए घायल। दरअसल निगम की टीम आज प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस हमले के साथ शहर में रिहायशी इलाकों में बनी डेयरियों को शिफ्ट करवाने के लिए गई थी। जैसे ही टीम भाटिया नगर में एक डेयरी पर कार्रवाई करने पहुंची तो डेयरी वालों ने कार्रवाई विरोध करते हुए टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 पुलिस कर्मचारी और 2 निगम कर्मचारियों को चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। निगम के अधिकारियों ने यमुनानगर शहर पुलिस स्टेशन इस हमले की शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए हमला करने वाले लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है, और पुलिस का कहना है कि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यमुनानगर जगाधरी नगर निगम के चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर अनिल ने बताया कि आज नगर निगम द्वारा डेयरियों को शिफ्ट कराने का काम किया जा रहा था, और कुछ डेयरियाँ जो यहाँ से शिफ्ट हो चुकी थी वह वापस आ गई हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही थी। आज नगर निगम कार्यकारी अधिकारी दीपक सूरा और हमारी टीम के साथ 150 पुलिस कर्मचारी 100 निगम कर्मचारी थे। जैसे ही हमारी टीम भाटिया नगर पहुंची तो डेयरी वालों ने कर्मचारियों पर हमला कर दिया और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके बारे में हमने अधिकारियों को बताया और इस मामले में सख्त एक्शन लिया जाएगा, इस तरीके की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर निगम शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कुछ शरारती लोग इस तरीके की दुर्घटनाएं करते हैं, हम उन्हें सख्ती से निपटेंगे। आज हमले में 2 निगम कर्मचारियों समेत 2 पुलिस कर्मचारियों को भी चोटें आई हैं। विश्वकर्मा कॉलोनी में एक डेयरी जो यहाँ से शिफ्ट हो चुकी थी उसे डेयरी संचालक वापस ले आया, उसकी डेयरी को सील किया गया। अलग अलग जगह कार्रवाई करते हुए 30 पशु पकड़े गए। 15 डेयरियों के खिलाफ आज निगम की टीम द्वारा कार्रवाई की गई है और आगे भी टीम की कार्रवाई जारी रहेगी।
यमुनानगर सिटी SHO नरेंद्र राणा ने बताया कि निगम की टीम शहर से डेयरियों को बाहर शिफ्ट करने की मुहिम चला रही है। आज हमारे पुलिस कर्मचारी की नगर निगम की इस मुहिम में के साथ गए थे भाटिया नगर में। जब यह टीम पहुंची, डेयरी वालों द्वारा कुछ हथियार नुमा बेलचा से कर्मचारियों पर हमला किया गया और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस हमले में 2 पुलिस कर्मचारी और 2 निगम कर्मचारियों को चोटें आई हैं। यमुनानगर के नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी दीपक सूरा ने हमें इस घटना की शिकायत दी, जिस पर हमने कार्रवाई करते हुए हमला करने वाले लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नगर निगम द्वारा शहर में डेयरियों को शिफ्टिंग का कार्य किया गया। हमारे पास बार बार शिकायतें आ रही थी कि डेयरियाँ वापिस आ रही है, उस पर हमने संज्ञान में लेते हुए कार्यकारी अधिकारी दीपक सूरा जी EO और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ हमने कार्रवाई शुरू की, जिसमें हमारे पास 150 पुलिसकर्मी और 100 लगभग हमारे कर्मचारी, उनके साथ हमने कार्रवाई शुरू करी। जिसमें हाँ, एक भाटिया नगर में ऐसी घटना हो गई थी कि हमारे कर्मचारी व पुलिस वालों पर हमला किया, मारने की भी धमकी दी। हम उस पर सख्त एक्शन लेंगे, उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे। हाँ, हमारे नहीं नहीं हम उच्च अधिकारियों के नॉलेज में डाल के उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई कर रहे हैं और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि हम शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ शरारती तत्व इसमें हमारे ऐसे प्रॉब्लम डाल रहे हैं। हम उनसे सख्ती से निपटेंगे। और जो शहर से बाहर जैसे एक विश्वकर्मा कॉलोनी में था, वो डायरी वापस लेके आया था, उसकी डायरी की सील का भी काम किया है और लगातार 30 के लगभग पशु पकड़े, 30 हाँ, बाकी नॉर्मल रहा। और आज 15 डायरियों के लगभग खिलाफ कार्रवाई की है। नहीं, नाम का तो मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन उसने हमारे खिलाफ पूरी, उसने एकदम से कर्मचारियों पे हमला किया अचानक, जैसे भी हम अंदर उसको खोल रहे थे, डायरी को करने की कोशिश कर रहे थे। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ हमारी टीम जो थी, ये जो शहर में डेयरी हैं, डेयरियाँ भैंसों की, पशुओं की डेयरी, इनको शहर से बाहर निकालने की जो मुहिम चल रही थी, उसी मुहिम के चलते आज हमारी टीम भाटिया नगर में थी, जहाँ पर ये चेतन कुमार ओबराई नाम का डेयरी संचालक है। जब इसको वहाँ से हटाने के लिए इसके पास पुलिस गई, तो पहले तो उसने दरवाजे नहीं खोले। उसके बाद जब हमारे 2 मुलाजिम और म्यूनसिपैलिटी के मुलाजिम जब अंदर गए, तो उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ कुछ हथियार जो कि बेलचा टाइप था, उसने उससे हमारे टीम पर हमला किया, पुलिस के कर्मचारी की टीम पर, जिससे हमारे पुलिस कर्मचारी के माथे पर भी चोट आई और शरीर में काफ़ी चोट आई, और इसमें म्यूनसिपल कमेटी के भी 2 जो है वर्कर इंजर्ड हुए, जो हमने EO साहब की दरखास्त पे तुरंत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया विभिन्न धारा हूँ, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जो जो इसमें संलिप्त थे सबके खिलाफ कार्रवाई करके उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। RTI विभाग द्वारा इम्पोर्ट किए गए ट्रक को बदमाश लेकर हुए फरार, पुलिस ने 10 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर की जांच शुरू। यमुनानगर के RTI विभाग द्वारा वाहनों को चेक करने के लिए यमुनानगर उत्तर प्रदेश की सीमा पर एक टेम्पोररी चेक पोस्ट बनाया गया है, जहां ओवरलोड वाहनों व अन्य प्रकार की चेकिंग की जाती है। कल RTI विभाग द्वारा चेकिंग के दौरान दोपहर को ओवरलोडेड डंपर इम्पाउंड किया गया था। रात 9 बजे कुछ अज्ञात लोग गाड़ियों में आए और चेक पोस्ट पर और इम्पाउंड किया हुआ डंपर लेकर फरार हो गए। RTI विभाग की शिकायत पर पुलिस ने 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। SHO सदर यमुनानगर सुनील कुमार ने बताया कि RTI डिपार्टमेंट में टेम्पोरेरी चेक पोस्ट बना रखी है, वहां उन्होंने 2 वाहन खड़े किए थे वहां उन्होंने 2 वाहन इम्पाउंड करके खड़े किए थे जो ओवरलोडेड थे। परसों दोपहर 2:30 बजे रात को 11:30 बजे के करीब 9-10 अज्ञात व्यक्ति आए और उस समय RTI विभाग के जो कर्मचारी वहां मौजूद थे, लाठी डंडों के साथ उनकी पिटाई की गई। एक डंपर जो UP का था, उसे वो व्यक्ति लेकर फरार हो गए। RTI विभाग द्वारा हमें शिकायत दी गई, इस संबंध में हमने मुकदमा संबंधित धाराओं में 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। टेम्पररी चेक पोस्ट बना रखी है RTO डिपार्टमेंट ने, वहाँ 2 व्हीकल खड़े किए थे इन्होंने इम्पाउंड करके, जो ओवरलोडेड व्हीकल थे, तो 2 डंपर खड़े किए थे एक परसों दोपहर 2:30 बजे के करीब इम्पाउंड करके। तो परसों रात को ही 11:30-11 बजे करीब 9-10 व्यक्ति आए हम मशवरा होकर, और इनके जो मुलाजिम वहाँ प्रजेंट थे उनके साथ लाठी डंडों से पिटाई करी है, इनके कहने अनुसार जो इन्होंने तहरीर दी है और इनके साथ धक्का मुक्की करी है, और ज़बरदस्ती एक UP नंबर का डंपर था उसको भगाकर वो व्यक्ति ले गए हैं। इस संबंध में हमने मुकदमा संबंधित धाराओं में दर्ज कर दिया है और आगे की तफ्तीश अमल में ले जाएंगे। 10 अननोन।
नगर पालिका कर्मचारी संघ द्वारा उल्टा झाड़ू कर प्रदेश सरकार के खिलाफ निकाला रोष मार्च। सरकार द्वारा कर्मचारियों की मांगें पूरी न होने पर कर्मचारियों में रोष। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने उल्टा झाड़ू कर प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष मार्च निकाला। कर्मचारी संघ के प्रधान ने बताया कि 4 साल पहले वर्तमान सरकार द्वारा घोषणा पत्र में कर्मचारियों के प्रति जो वादे किए थे, उन वादों पर सरकार विफल नजर आ रही है। आज सरकार कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है और कर्मचारी विरोधी नीति अपना रही है। सरकार ने जो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात कही थी, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसी के चलते आज कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आज शहर में उल्टा झाड़ू प्रदर्शन कर रहे हैं। नगर निगम यमुनानगर प्रवेश वर्ष 2014 के अंदर वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा जो है अपने चुनावी घोषणा पत्र में कर्मचारियों के साथ बड़े लुभावने वादे किए थे, जिन वादों को लेकर आज सरकार जो है वो सत्तासीन है, लेकिन सत्ता में आते ही सरकार द्वारा कर्मचारियों की आवाज़ को न सुनकर कर्मचारी विरोधी नीतियाँ लागू करने की साजिश सरकार की है। और उसमें सबसे पहले अपने चुनावी घोषणा पत्र के अंदर सरकार ने वादे किए थे कि हम तमाम विभागों के कच्चे कर्मचारी को पक्का करेंगे, ठेका प्रथा समाप्त करेंगे, समान काम समान वेतन देंगे और वेतन विसंगतियों को दूर करेंगे। ऐसे से बड़े लुभावने वादे किए थे, लेकिन सरकार ने जब कर्मचारियों की मांगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया और सरकार कुंभकर्णी नींद के अंदर गमरूर होगी, तो उसके बाद कर्मचारियों ने जो जब आंदोलन किया तो कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल तक भी पहुंचे हैं। 9 मई से लेकर 24 मई तक नगर निगमों पालिकाओं परिषदों के तमाम कच्चे पक्के कर्मचारियों द्वारा जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई। हड़ताल के दौरान प्रदेश की सरकार द्वारा और अपने जो प्रधान सचिव हरियाणा सरकार के साथ बातचीत हुई, तो उस बातचीत के अंदर सरकार ने जो आश्वासन दिया था 30 दिन का समय मांगा गया था और जिन मांगों के ऊपर सहमति बनी थी, कहा गया था कि हम इनका परिपत्र 30 दिन के अंदर जारी कर देंगे, लेकिन आज सरकार के वायदे को करीब 3 महीने बीतने को जा रहे, आज भी सरकार टस से मस नहीं हो रही है और ना ही संघ के साथ कोई बातचीत ना करने की बजाय और कर्मचारियों के ऊपर लाठीचार्ज जैसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, जिसके विरोध में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश कमेटी के आह्वान पर 2 दिन का उल्टा झाड़ू प्रदर्शन 13 और 14 सितंबर का। यदि सरकार फिर भी अपनी हरकतों से या कर्मचारियों की समस्याओं का सरकार द्वारा समाधान नहीं किया गया तो आने वाली जो 3, 4 और 5 अक्टूबर उसको हड़ताल करेंगे कर्मचारी, 3 दिन की हड़ताल करेंगे और उसके बाद अभी जो दौर चल रहा है अपना 13 और 14 सितंबर का जो उल्टा झाड़ू प्रदर्शन है, इसके बाद 21 से 25 सितंबर तक 5 दिन की जो है ये कर्मिक भूख हड़ताल चलेगी 12 दिन की। यदि सरकार फिर भी बाज ना आई, जैसा भी अपने प्रदेश कमेटी का जो आह्वान होगा उसके ऊपर नगर निगमों पालिकाओं परिषदों का जो तमाम कच्चा पक्का कर्मचारी है संघ जो है वो उसके ऊपर बढ़ चढ़ कर भाग लेगा कर्मचारी उसके अंदर, जिसकी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की होगी, ये हम सरकार को चेताना चाहते हैं। बहुदेशी स्वास्थ्य कर्मचारी 18 सितंबर को देंगे गिरफ्तारी। सरकार के दमनकारी नीतियों के विरोध में जेल भरो आंदोलन के तहत दी जाएंगी गिरफ्तारियां। बहुदेशी स्वास्थ्य कर्मी एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल गुरुवार को 18वें दिन में प्रवेश कर गई, लेकिन कोई भी सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया। गुरुवार को MPHC एसोसिएशन का गिरफ्तारी देने की चर्चा थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब गिरफ्तारी देने के कार्यक्रम को 18 सितंबर तक टाल दिया गया है। अब गिरफ्तारी 18 सितंबर को दी जा सकती है। गुरुवार को एसोसिएशन के वक्ताओं द्वारा कहा गया है कि सरकार झूठे दावे कर रही है कि हड़ताल से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है और बहुत से काम हड़ताल के चलते प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन कह रहे हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कोई भी कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है, जबकि टीकाकरण का कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है। MPHC की 158 सदस्य हड़ताल पर हैं, तो टीकाकरण का कार्य कैसे पूरा हो सकता है? सरकार बिल्कुल झूठे दावे कर रही है। गांव में उप स्वास्थ्य केंद्रों पर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया व TB के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मच्छरों व गंदगी की भरमार हो रही है। छोटी मोटी बीमारियां स्वास्थ्य केंद्रों पर ही ठीक की जा रही थी, उनके लिए भी लोगों को अपने निजी अस्पताल में जाना पड़ रहा है।
जिससे आम आदमी को आर्थिक क्षति पहुंच रही है। 14 सितंबर को हरियाणा सरकार रोहतक में मंथन करने जा रही है, इसलिए एमपीएचई एसोसिएशन राज्य स्तरीय रोष प्रदर्शन करने जा रहे हैं तथा इसके अतिरिक्त 18 सितंबर को सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में जेल भरो आंदोलन के तहत गिरफ्तारियां दी जाएंगी। हाँ जी, आज हमारी स्ट्राइक का 18वां दिन है और हमारी मांगे तो वही पुरानी 4200 ग्रेड पे टेक्निकल घोषित करना और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना। लेकिन आज हमारा 18वां दिन है लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही और जो भी हमारी जो हम स्वास्थ्य सेवाएँ देते हैं लोगों को उसकी वजह से पूरे गाँव में बीमारियों ने पैर फंसारे हुए हैं और लोगों को परेशान होके अपने प्राइवेट करवाना हॉस्पिटलों में अपना इलाज करवाना पड़ रहा है जिस वजह से वो लोग परेशान हो रहे हैं और फाइनेंशियली भी उनका नुकसान हो रहा है लोगों का। तो सरकार अभी भी हमारी कोई सुनवाई कर नहीं रही है जिसकी इसलिए अब रोहतक में वहाँ पे जो अपने स्तर चल रहा है धरना प्रदर्शन करेंगे, राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन करेंगे। कल वहाँ पर CM और अपने HM सभी लोग वहाँ होंगे, वहीं से उनसे ही कल अपनी सरकार बेशर्म हो चुकी है, उनको पुतले फूकने का या किसी भी काले दिवस मनाने का कोई असर नहीं पड़ रहा। ये पूरे अपने सत्ता के नशे में चूर है सरकार, तो इसलिए हम मजबूरन होके अब हमने कल वहीं पे अपना राज्य स्तरीय रोष प्रदर्शन करना है रोहतक में। तो कल हम अपना आगे का जो भी होगा कल हम अपना डिसाइड करेंगे राज्य स्तरीय। आज के अयोध्या में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।